क्लास 9 सरफेस एंड वॉल्यूम कर रहे थे ना, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक करे थे कौन से वाले, क्यूब एंड क्यूबॉइड के नॉर्मल क्वेश्चन हो गए थे। कोई डाउट उसमें? नॉर्मल क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अब हम करेंगे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन वो नहीं करा रहा है, कर ले क्या करेंगे अभी एनसीईआरटी, रुक जा, पहले लेवल तो अच्छा कर लो। कोई नहीं, लिखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सर्फेस एरिया। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ अ चॉक बॉक्स। फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ अ चॉक बॉक्स। किसका सर्फेस एरिया निकालना है? अच्छा, चॉक बॉक्स किस शेप में होगा? तुम कैसे कह सकते हो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा? अभी तो मैंने कुछ बताया, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको डायमेंशन तो पता ही नहीं है ना अभी। अगर तीनों इक्वल होंगी तब तो क्यू होगा, अगर एक भी अलग हो गया तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। क्लियर है? कल ये बात बताई थी ना, ठीक है। ऑफ क्या लिखा? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ चॉक बॉक्स हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर आर 16 सेंटीमीटर कॉमा 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। लिख दिया 16, 6, 8, 16, 6 और 8, डन। क्या होगा अब तो बता दो, क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो क्या लगेगा फॉर्मूला? लगा सकते हो आराम से, लगाओ जरा। सीएसए टीएसए बता दिया था ना, लगाओ जरा फटाफट टीएसए का फॉर्मूला। 2 दिन से सिखाया ना टी लगाना, जल्दी देख के लो, अभी देख के लगा लो, क्योंकि जब मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ देखने नहीं दूंगा फॉर्मूला। अभी देख लो, देखने तो आंसर बताओ जल्दी, किसका है आंसर? Anybody with the answer? फ्री तो नहीं कर दी क्लास आज। फाइव फोर्टी फोर आ रहा सबका। एनीबडी विद द डिफरेंट आंसर? हाँ भाई, एनीबडी विद द डिफरेंट आंसर? वेरी गुड, 544 सबका आ गया, 544 करके दिखाऊं या आ गया? आ गया, वेरी गुड, जल्दी कर ले भाई, क्या कर रहा? एक आंसर नहीं निकाला जा रहा, आया नहीं आया, कराना है जल्दी बोल। हाँ तो डर क्यों रहा इतना? टीएसए का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या था? टोटल सर्फेस एरिया क्यूबॉइड का। कोई नहीं बोलेगा हाँ भाई क्या था, तो बस क्यों डर रहा है लगाने से? अब मेरे को खुद बता, एल कितना है? अबे तो डर क्यों रहा था? बी कितना है? 6 प्लस दोबारा बी लिखना है तो 6 आएगा। एच कितना है? फिर एच कौन है? 8। एल कौन है? 16। यहाँ तक सही है? 16, 6 जा टेबल आते हैं 96, 6, 8 जा 48, 16, 8 जा कर आता नहीं 128। तो कैलकुलेट करने के लिए टाइम चाहिए तेरे को और कुछ नहीं। अब जोड़ना आता है, कितना आएगा? 272 ज्वाइन कर लेना, मतलब जोड़ लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद 544 हो सकता था क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं आया या आ गया समझ? पहले बता दे, ये तो बता दे कम से कम आ गया। एक तो मास्क उतार के बात करा करो भाई, ऐसे कोरोना चाह चुका है, बाय बाय कोरोना हो चुका है अभी, ठीक है। जेब में लेके घोड़ा चाहिए, पहला इंसान जो कोरोना मांग रहा है कलाकार कम थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन लिखिए।
अ क्यूबिकल बॉक्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से लिखना. अ क्यूबिकल बॉक्स हैज, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज, EDG एज 10 सेंटीमीटर. एज कितना है? 10 सेंटीमीटर. एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, कौन सा बॉक्स? क्यूबॉइडल बॉक्स हैज डाइमेंशंस. ये दी ये रही, हाँ डायमेंशंस है. क्यूबॉइडल बॉक्स की क्या है? डायमेंशंस. यहाँ तक कोई परेशानी? पक्का? क्यूब नहीं पड़ा होगा तो दिक्कत होगी. आराम से. क्यूब, अगर क्यूब नहीं पड़ा होगा तो दिक्कत हो सकती है, वरना अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है. चलेगा इतना? फुल स्टॉप, फर्स्ट पार्ट. फुल स्टॉप, फर्स्ट पार्ट. अच्छा, क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया अभी यहाँ तक? वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन है क्या क्वेश्चन में बताओ? तुम्हें ही समझ आ गया कि एक क्यूब है और एक क्या है? क्यूबॉइड. दोनों अलग अलग है, ठीक है. क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी साइड, क्यूबॉइड की भी इंफॉर्मेशन गिवन है. डन. अगर हमें एच पता है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? जरा बताओ मुझे, क्या क्या निकाल सकते हो अगर एच पता है तो क्यूब में? एच मतलब ए की वैल्यू. किसकी वैल्यू? ए. तो पहला फॉर्मूला क्या है? 4a² निकाला जा सकता है. आगे 6a² टोटल सर्विस एरिया और वॉल्यूम, ए क्यूब और डायगोनल a√3 सब फाइंड हो सकता है, चारों के चारों. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो इसकी भी चारों चीजें फाइंड हो सकती है. चारों चीजें मतलब पहला कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड हो सकता है अगर लेंथ ब्रेथ हाइट पता है. फॉर्मूला क्या है? 2 (l+b)(h). दूसरी चीज TSA, फॉर्मूला क्या है? 2 lb + bh + hl फाइंड हो सकता है. तीसरा वॉल्यूम क्या था? l×b×h फाइंड हो सकता है. चौथा डायगोनल अंडर रूट l²+b²+h², चारों चीजें फाइंड हो सकती है. पक्का? अब क्वेश्चन कोई भी दे दे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट पार्ट. विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच? कोई नहीं, अभी करेंगे, डर मत. इतना सही है क्वेश्चन? समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कि आपको टोटल सरफेस एरिया किसका क्या होगा? कम. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ, सोचो. दोनों का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, पहले निकालना आता टोटल सरफेस एरिया दोनों का. क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का? 6a² दूसरा उसका क्या होता है क्यूबॉइड का? 2 lb + bh फाइंड हो सकता है इजिली. पक्का? पता लग जाएगा किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है. और कितना ज्यादा है कितना कम है उसके लिए क्या करेंगे? मैंने बोला तुम्हारा भाई 20 साल का है और तुम्हारी एज 15 साल है, तुम्हें ये पता करना है कि कितना बड़ा है वो तुमसे, तो क्या करोगे? अरे 20 में से 15 को माइनस करोगे, बोले 5 साल बड़ा है. समझ में आया या नहीं? तो सिर्फ एक काम करो, पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो और क्यूबॉइड का. चुपचाप बस इतना काम करो, पहले क्यूब और फिर क्यूबॉइड का. कोई नहीं, अच्छी बात है. क्यूब और क्यूबॉइड बढ़िया करके फाइंड करो. थप्पड़ मार दिया अगर इसको जाके. अरे ठीक है ना, कर ले चुप. क्यूब और क्यूबॉइड, जब कोई चीज आती है ना तो उसको शो नहीं करते. इस बार तुम्हारे स्कूल के 10th के टॉपर कौन है पता है? 10th में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? 80 में 79 है उसके. चुप रहना. 80 में से 79 है उसके, ठीक है. अगले साल मैं जाता हूँ, उसका भी ट्यूशन में सबसे हाईएस्ट उसी के ही है. दून लॉयस वाले के 73 है या 74 है 80 में से, ठीक है. आयुष गुस्सा ही आता है, मतलब 10th में तो बहुत है, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ अगले साल भी हाईएस्ट जिम्पाइनर वालों के ही हो, समझ गया? तो उसके लिए तैयार करो अपने आपको. साइंस में उसके 80 में से 72 है. 12th में कार्तिकेयन पढ़ता है तुम्हारे स्कूल में,
उसके 80 में से 68 है उसके, हाईएस्ट है उसके, तो इसलिए कह रहा हूँ मैथ्स में, तो इसलिए 12th में ना, वो बाद में मिलते हैं 12th, तो इसीलिए तालियों वाले काम नहीं करते हम, ठीक है। तो टॉपर तुम्हारे स्कूल के 10th और 12th दोनों मेरे पास ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मजेदार बात है कि मैं चाहता हूँ अगले साल भी यही सिलसिला बरकरार रहे, समझ में आया। दोनों लॉस में भी यही हाल है, और क्या। हाइस्ट किसके 12th में पता है? दोनों लॉस में रायन के, ठीक है। मैथ्स में हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये उससे खुद पूछना, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ी सी गलती हो गई इसकी, वरना उसके भी हाइस्ट होते, उसके 3 नंबर कम है हाइस्ट से, सो क्लोज, ठीक। मतलब फिर बाकी तो मेरे ही है जितने, हाँ 70 नहीं है, जितने भी है 3 नंबर कम, मतलब बेसिकली डिफरेंस। अभी उसके आयुष गुसाई के थे बोला 73 है उसके 80 में, 73 है उसके 80 में, हो गया। हाँ मैथ्स में आ रहा, अभी तो मार्क्स तो सीखे आए हैं, बाकी सब देखे मार्क्स ही कहाँ पता लगे तुम्हारे स्कूल। संधि के उसके उसके भी 70s में आए थे कुछ, या 60s में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट। एक KVFRI में भानु पुरोहित आता है, उसके 40 में से आता है 38। तो बेटा अगले साल भी रिकॉर्ड टूटना चाहिए, बस ध्यान रखना सारे स्कूल में, याद रखना, गलत आप बोले, अगले साल के लिए तैयार हो जाओ बस, बढ़िया करके। ये बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे टोटल सर्विस एरिया आ गए उसका, टोटल सर्विस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला। अच्छा क्यूब का कितना आया? 600, इसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सर्विस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। सॉल्व करके कितना आएगा? 610। अब ये बताओ बाय हाउ मच, कितने का डिफरेंस है दोनों में? पक्का? हाँ बेसिकली, तो डिफरेंस जो आया कितने का डिफरेंस है? 610 माइनस 600, कितना आएगा आंसर? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक सही है? डन। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लिखो फटाफट। हाँ इसी का सेकंड पार्ट। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सर्विस एरिया? इस बार बताना है किसका लेटरल सर्विस एरिया क्या है ज्यादा, एंड बाय हाउ मच लेटरल सर्विस एरिया, ठीक है। लेटरल सर्विस एरिया भाई, ठीक है। CSA, दोनों के CSA निकालो, आराम से निकालो, जल्दीबाजी नहीं। दोनों के CSA निकालिए और फिर दोनों को क्या करोगे? माइनस, जल्दी करो बिना बोले, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन तो नहीं पढ़ा होगा 8th में? कौन कौन थोड़ी पढ़ा होगा, स्फीयर भी नहीं पढ़ा होगा, सिलेंडर था। चलो भाई अगला क्वेश्चन करें, इसका आंसर कितना आया? एक 400 और एक 410 बना होगा, फिर से डिफरेंस 10 का, ठीक है। अगला लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करोगे मजा आएगा, देखते अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, लिखो।
ये क्वेश्चन देखते कौन बच्चा सोचेगा, इसमें मजा आएगा। लिखो थ्री क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, थ्री क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, हर एक की साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, आर जॉइंड एंड टू एंड, तीन क्यूब को हमने ज्वाइन करा, कैसे ज्वाइन करा है एंड टू एंड, अभी बताऊंगा मीनिंग बताऊंगा, टेंशन मत लो, फुल स्टॉप। फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू फिगर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू फिगर, लिख दिया क्वेश्चन, नहीं ऐसे नहीं करते इसमें, इधर देखो अब जरा ध्यान से, पहले सुन लो, अगर सुनोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनोगे। अच्छा एक बात बता, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 5, समझना, दूसरे को इसी के आगे जोड़ दिया और तीसरे को भी इसी के आगे, तीन क्यूब को एक साथ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है एक साथ, पक्का ऐसे समझो, ये एक क्यूब है, दूसरा इसके आगे जुड़ेगा, इसकी साइड कितनी है 5, इसकी भी साइड कितनी होगी और इसकी साइड भी कितनी हो जाएगी 5, सही है। तो हमने कहा ये तो लेंथ तो बढ़ गई, हाइट तो उतनी रहेगी ना, देखो क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, अब तुम समझोगे क्वेश्चन को, ध्यान से इधर देखो, नहीं क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये क्यूब है सही है, प्लीज ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, कुछ तो सीखोगे, ये दूसरा क्यूब है, दिखना चाहिए ना क्लियर, क्या हो भाई दांत के फाड़ लेते हैं, चलो भाई फिगर बन के कुछ ऐसा तैयार। अब मेरे को बताओ ब्लैक वाले की साइड कितनी है 5, तो ये भी इसकी साइड कितनी होगी 5, सही है, और ये वाली साइड भी कितनी होगी 5, सही है इतना, पक्का देखते रहना, कोई डाउट हो पूछ लेना, ये रेड वाले की भी साइड कितनी की है 5, तो ये साइड कितनी होगी 5, ऐसे में हाइट कितनी होगी 5, बचा ये ब्लू वाला, ध्यान समझ लो एक बारे में, बातें क्यों कर रहे हो भाई, ये हो गया 5। अब मैं पूछू तुमसे लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ है ये, तो कितनी हो गई ये 5 5 5, दिख रहा, तो कितनी हो गई टोटल 15, इसमें भी 5 होगा। अगला सवाल ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो 5 ही है चौड़ाई, ये तो 5 ही है ना, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी कितनी है 5, तो ब्रेथ हो गई 5। हाइट की बात करूं, हाइट कितनी है 5, तो सिर्फ चेंज क्या हुआ लेंथ, कोई परेशानी इस चीज में, पहले बताओ ये चीज सही है, रुक जा, लेंथ सही है, ब्रेथ ये होती है ना चौड़ाई वाली, ये वाली चीज कितनी है खुद बता 5, सही है, टोटल लेंथ कैसे बढ़ गई, टोटल लेंथ क्यूबॉइड बन गया ना, क्योंकि पूरा का पूरा तीन क्यूब को जोड़ना, जो चौड़ाई होगी वो तो 5 ही रहेगी, वो सेम रहेगी, और जो ऊंचाई होगी वो सेम रहेगी, लेंथ जो होगी वो तो बढ़ जाएगी ना, जब जोड़ेगा तीन चीजों को तो लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, हाँ नहीं होगा क्योंकि बीच वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, बहुत लेंथी बढ़ जाएगा, उससे अच्छा तो डायरेक्ट लगा ले क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट, कितना आ रहा है, नहीं 350 आ रहा है, इजी कैलकुलेशन है, क्या फंस रहे उसमें, करो भाई कैलकुलेशन करो अब जरा फटाफट जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी करिए यार प्लीज, कर लिया फाइंड,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया ना. अगला लिखो अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस. हाँ अंदर है मतलब तेरे को क्या मतलब उससे. इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इज मेड इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से इंटायरली ऑफ ग्लास. किसका बना है? पूरा कांच का. ठीक है. इज मेड अप ऑफ ग्लास या इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास. ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग बेस. लिख दिया. मतलब कोई जैसे ये रूम है, रूम के हिसाब से समझो. ठीक है. पूरा रूम बनाना है लेकिन पूरा कांच का बनेगा. किसका बनेगा? कांच. तो टॉप भी कांच का, बेस भी कांच का, पूरी चार दीवारें भी कांच की. इतना समझ में आ गया पहले? ठीक है. आगे लिखो. आगे लिखिए It is joined by tape. उसको किससे जोड़ा हुआ है? टेप से. कैसे जोड़ा है? ध्यान से इधर समझेंगे सबके साथ. पहले समझो. देखो जैसे मुझे ये दो चीजें जोड़नी है तो यहाँ पे एक टेप लगाऊंगा. अच्छा बॉक्स देखा है? बॉक्स यहाँ मेरे पास बॉक्स नहीं है क्या? मैं समझाता बड़ा मजा आता. अरे नहीं यार बॉक्स चाहिए प्रॉपर. समझ में आता बढ़िया करके. जूतों का डब्बा देखा है? सबने देखा जूतों का डब्बा? तो उसमें देखो जैसे मान ले रूम में एक जूते का डब्बा है तो ये एक कोने को जोड़ने के लिए वाला इधर टेप, इधर भी टेप लगेगा. हर एक साइड में क्या लगेगा? टेप. ठीक है. 12 टोटल कितने टेप लगेंगे? 12. उसके तो बाद में करेंगे. ठीक है. समझ में आया टेप कैसे लगाने? पहले ये चीज क्लियर हो गई. ठीक है. आगे लिखो It is 30 centimeter long. कितना लॉन्ग है? 30 centimeter long, कॉमा 25 centimeter wide. मतलब हल्के में क्या दे रहा है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चाहिए देगा ना भाई. एंड 25 सेंटीमीटर हाई. क्या तीनों चीजें मिल गई? हाँ. 30, 25, 25 सही है. हाँ भाई केशव, क्यूब है या क्यूबॉइड है? क्यों, दो तो इक्वल है ही. बहुत बढ़िया, तीनों इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, डर मत. ठीक है, यहां तक सही है. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड. अब बता पूरा. ये तू सवाल पूछेगा मुझसे? जब मैंने बोल दिया सब पूरा कांच का बनाया, क्या निकलना चाहिए भाई? इसका नाम क्या है भाई? तेरा नाम क्या, मैं भूल जाता हूँ. तेरा नाम प्रियांशु है? कुणाल. सॉरी, मेरी मिस्टेक. हाँ निकालो टोटल सर्विस एरिया. आता है फिर निकालना? देखते पहले कौन करता है स्पीड. अगले साल तक करना पड़ता, जल्दी करो. टोटल सर्विस एरिया चाहिए जल्दी.
चार दो पांच जीरो भाई लिखो भाई सेकंड पार्ट, ये वाला समझ में आ गया, 4-5-0 आ जाएगा, नैतिक आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हाउ मच टेप, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से करेंगे, हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड, टेप इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द, फॉर ऑल द 12 एजेस। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। तो अच्छा बताओ मेरे को, कैसी बात कर रहा है लड़का, पहले जरा खुद करो। हाँ नहीं नहीं क्या, मैं बता रहा हूँ बस, अब आ रहा हूँ। हाँ चलो भाई ध्यान सुनना, अब नहीं मिला। देखो ध्यान से अब सुनो, अच्छा एक बार बताओ, हमें ये तो पता लग गया टोटल कितने वो होते हैं, एजेस 12, एजेस कितने होते हैं 12। अब खुद सोचो लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 12 को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, हमारे पास 12 है, 12 क्या है एजेस, ध्यान सुनना प्लीज, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन पार्ट में डिवाइड करना है, एक लेंथ में, एक ब्रेथ में और हाइट में, सही बात है, 12 चीजें तुम्हारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट में डिवाइड करना है, ठीक है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, 12 के तीन हिस्से करने, तो कितने कितने मिलेंगे सबको, तो चार होंगी लेंथ, चार होंगी ब्रेथ और चार होंगी, सही है, तो जो टोटल लेंथ आएगी, जो टोटल टेप होगा, टेप मैंने बताया था कहाँ लगेंगे, एजेस में बता चुका हूँ, तो टोटल टेप बराबर 4L + 4B + 4H, सही है इतना, फोर तीनों में कॉमन आ सकता है, L + B + H, कितनी है L+B+H की वैल्यू, जरा निकालना, ऐड करना तो आता है ना, अरे L+B+H को ऐड करो, 80 आएगा क्या, 4 × 80 कितना होता है आंसर, अबे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, लिखो आंसर 320 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया क्या करना है, इसको कर दो मोशन पॉइंट में, हाँ जी एल प्लस कर, वैल्यू नहीं है LBH के, दीदी के भैया जरा L+LBH की वैल्यू बता कितनी है, कॉमन ले लिया ना 30, L की वैल्यू बता रहो, बता रहा, हाँ L की वैल्यू कितने क्वेश्चन में, और इसकी B की 25, H की भी 25, इसलिए ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है भाई वो, डन, इसको कर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, इसने कुछ नया सिखाया, समझ में आया वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, छुट्टी तो करूंगा बेटा, रुक जा बता दो, नेक्स्ट लिखो, हाँ सबको आएंगे, अब सबको आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तभी तो, नेक्स्ट लिखो, अभी तो बाहर के कराए ने, अगला क्वेश्चन लिखो इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाला एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट लिखो, आप प्लास्टिक बॉक्स, तुम्हारे स्कूल में हो गया चैप्टर, अभी कहाँ होगा, आप प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, अब प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, जो लेंथ है वो कितनी है, डेढ़, 1.5, ठीक है, मीटर लॉन्ग, अब प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग, कॉमा 1.25 मीटर वाइड, यही करा रहा हूँ, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, एंड 65 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, इज टू बी मेड, is to be made, नजर, is to be made, is to be made, full stop, it is open at the top, ऊपर से क्या रखना है, open, ठीक है, it is open at the top,
प्लस स्टॉप फाइंड फाइंड फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड. अच्छा इधर सुनो, जो शीट रिक्वायर्ड होगी उसके लिए टोटल निकालेंगे इस बार, कर्व निकालेंगे क्या निकाल क्यों. अच्छा एरिया कौन कौन सा ध्यान सुनना, ये बॉक्स बनाना है, एक मिठाई का डब्बा बनाना, मान लो ऊपर से खुला ये रूम है, ऊपर से खुला होता तो कैसा दिखता खुद सोचो, एक दो तीन चार तो दीवारें होती, तो कौन सा एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया. साथ साथ बोला करो ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया. अरे क्या होगा, सही है. प्लस और किसका एरिया हो बचेगा, नीचे बेस का, बेस की शेप में रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला लगेगा एल इंटू बी, इतना सही है. तो सबसे पहले लिखो जरा फर्स्ट पार्ट करेंगे सिर्फ लिखो. हाँ जी उसमें से माइनस कर दो बात बराबर लिखो. चलो पहला पार्ट, पहले पार्ट में सबसे पहले इसमें निकालो कर्व सरफेस एरिया, निकाल के दो मुझे सी एस ए निकाल के दो. सी एस ए का फॉर्मूला 2l + b इंटू एच. चुप रहे ऐसी बातें सबको नहीं बताते. हाँ भाई कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या है, 2 l + b इंटू एच. बकरा नहीं कौन रखो. हाँ भाई साक्षी जी एल की वैल्यू कितनी है, 1. मैं तो डरती क्यों इतना, डरा मत कर इतना, अबे इनसे डर, इनको खुद कुछ नहीं आता. बी की वैल्यू कितनी है, 1.5 ही है उसकी भी, बी की बेटा 1.25 होगी ना. हाँ ठीक है इतना सही है. इनटू एच कितना होगा बेटा, वो सेंटीमीटर में है, ये भी तो देखो सबके सब मीटर में है ना, सबके सब एक ही खानदान के, लेकिन बीच में कौन नौटंकी कर रहा है, एच, तो उसको मीटर में करना पड़ेगा ना. 65 सेंटीमीटर है, परसों बताया था सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, अरे वाह 100 से, तो कितना आएगा 0.65, सही है इतना. अब क्लियर है, तो ये बन गया 0.65. अब एक काम करते हैं आराम से, 2 इनको ऐड करना आता है, ऐड कर दे जरा फटाफट, 1.5 + 1.25. ओ, करो 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 और डरा मत कर भाई, आंसर दिया कर, छोड़ इनको तभी तो सीखेगी बहन. आगे सर इनको ऐड करके कितना आएगा, 2.75 × 0.65. सबको मल्टीप्लाई कर लोगे आराम से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, जो आंसर आएगा फिर इससे कितना आ रहा, 3.575. मैंने पूछा क्या, तू बता क्या रहा, चुप रहा. सी एस ए सही है, पहले सी एस ए में कोई दिक्कत. अच्छा ये तो हो गया चार दीवारों का एरिया, बचा कौन रह गया, बेस बच गया ना, तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ बेस, बेस की शेप में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया बोलो, एक तो बोला करो यार तुम ना, मरे मत ला करो. एल की वैल्यू, मैं ना खुद क्वेश्चन आऊंगा करके चला जाऊंगा कल से, मेरे को ऐसा लग रहा. ये कितना आएगा, 1.875, कर लोगे मल्टीप्लाई, सॉरी ये मीटर में होंगे दोनों. हाँ इतना सही है. अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए दोनों को क्या करोगे, प्लस करना था, प्लस लास्ट काम रिक्वायर्ड एरिया निकाल दो बस, रिक्वायर्ड एरिया. नहीं बेटा रिक्वायर्ड एरिया इन दोनों को, तू प्लास्टिक का बॉक्स बना रहा था ना, तो क्या बोला था रिक्वायर्ड एरिया के लिए, एक एरिया चार दीवारों का, एक एरिया बेस का, तो मैं तेरे से रिक्वायर्ड एरिया पूछूंगा तो तू क्या बताएगा मेरे को. हाँ चलो ऐड करो दोनों को, कितना आ रहा है, 5.45 m². यहाँ तक सही है, ऐड कर लिया आराम से, नोट कर लिया, इतना कर कर आराम से कर, डरा मत कर साक्षी, कुछ भी होता है मेरे को बताया कर, ठीक है. नैतिक सर तुम्हारे मार्क्स पता लग गए, छुट्टियाँ बड़ी भी कब से, 6 तारीख को जाना है. मैथ्स का पेपर कैसे गया तेरा, बढ़िया
कितना देंगे? 20 में से? और साइंस का ठीक ठाक? क्यों, क्या हुआ, मुश्किल था क्या रखा था सर? हाँ कर सकता हूँ, इतना सही है? कोई डाउट, कोई डाउट है पूछना है, ठीक है ना? ये नहीं कि घर लेके जाऊंगा, घर में किसे पूछूंगा, घर में कौन बताएगा बेटा, यहीं पूछ के जाना है, ठीक है? और डरना नहीं है। चलो दो चीजें क्लियर यहां तक, सेकंड पार्ट लिखो। सेकंड पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट इफ इफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट इफ अ शीट मेजरिंग इफ अ शीट मेजरिंग 1 meter square for rupees 10। यहां बेसिकली 1 meter square कितने रुपए का है? 10। ये इस लाइन का मतलब है। लाइन पढ़ो एक बार सबके सब ध्यान से। रुपीज 10 यार, 1 meter square कितने रुपए का है? 10। हमारे पास कितना एरिया है? 5.45। तो उसको अगर ये बताओ, एक टॉफी अगर 10 रुपए की है और तुम्हारे पास 5 टॉफी है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? जितनी टॉफी और कॉस्ट से मल्टीप्लाई, यही करते हो। ऐसे ही यहाँ पे कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना रेट है 10 रुपए का रेट है ना, और कितना एरिया कितना है 5.45, तो कितना आएगा 54.5। कर सकते हो मल्टीप्लाई आराम से। इतना क्या डॉलर, अबे रुपीज, जब क्वेश्चन रुपीज में, यहाँ तक सही आंसर लिख डालो। मैंने बोला था करने का, मैंने बोला था। डर क्यों रहा, जब है पता है तेरे को सही है तो क्यों डर रहा? यहाँ तक सही है? किसी को डाउट है ना? डन। अब ये 10 हो 50 हो तुम्हें उससे मतलब है क्या? वो 1000 रुपए हो तुम्हें क्या, तुम्हें थोड़ी देने, ठीक है? जब तुम्हें देने होंगे तब टेंशन लेना। अगला थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो, ये लिखेंगे। अच्छा लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls, फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls, एरिया ऑफ 4 walls इफ रेक्टेंगुलर हॉल, इफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर, इफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर हैज अ पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस, हैज अ पेरीमीटर ऑफ इट बेस। कोई नहीं भाई, निकाल के ले आराम से, तब तक हम नाच लेंगे थोड़ा, ये कोई नहीं कोई नहीं, उठा ले। अरे गाना चटियो नचे, तेरे साथ भी स्कैम होगा, पढ़ ले सोचा, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस इज 70 meter, 70 meter, 70 मतलब 70 वाला, ठीक है? 70 meter एंड इट्स हाइट is 5 meter, 5 meter। Find the, क्या लिखा है स्टार्टिंग, find the area of all three। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया पहले वो बच्चा बताएगा। पहले एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, मेरी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा के लिए दोबारा पढ़ लो, फिर हम बात करेंगे। जिसको पहली क्लास याद है उसका क्वेश्चन सॉल्व है बस। कितना आया, हाइट कितनी है? खाएगा मार। इधर देखो, आ जाओ, पढ़ लिया क्वेश्चन, अब मुझे बताओ निकालना क्या। पहला सवाल मेरा, आप लोग कॉपी में फॉर्मल लिखो सीएसए का, फटाफट सीएसए का फॉर्मल लिखो। लिख ले? नहीं भाई, चुप रहे। देखो भाई, सीएसए निकालना है, फॉर्मूला है 2L+B × H, हाँ या ना में आंसर दो। सही है बात,
इधर देखो, सुन लो ध्यान से, अरे सुनो, पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस की शेप में रेक्टेंगल, पक्का? पेरीमीटर जो है किसका, बेस का, इधर देखो, पेरीमीटर कितना है ऑफ बेस, अरे कितना है पेरीमीटर ऑफ द बेस, कितना बोला है, 70 मीटर स्क्वायर होगा वहां, 70 मीटर, सही है, स्क्वायर नहीं होगा, 70 मीटर होगा, सॉरी, इतना सही है, अरे इतना सही है, पहले बताओ, अब मुझे बताओ, आपने बोला बेस की शेप में, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पक्का? तो 2l plus b की वैल्यू कितनी हो गई, 70, अरे भैया 2l plus b तो 70 है, तो इसकी जगह 70 लिख दो ना, क्या हाइट पता है क्वेश्चन में, कितनी पता है हाइट, तो अब कुछ ऐसा है जो पता नहीं है, मल्टीप्लाई करना सीखना है अब, अब ये भी तुम्हें नहीं आता, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, फिर 7 5 जा, और फिर 0, अब बताओ ये भी सीखना है, क्या टफ था मुझे बताओ, जरा आराम से समझ, देखो बस सुन लो, बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं मैं बताता हूँ, उन्होंने देखा 2l plus b, उन्होंने l plus b की जगह 70 रख दिया, और बन गया 140, फिर यहाँ 5 × 700 ही तो आएगा, फिर तो गलती नहीं करनी, पेरीमीटर ऑफ द बेस 70 दिया है, हाँ या ना बोलते रहो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेस का, 2l plus b किसके बराबर, 70, इतना सही है, हमें निकालना क्या है, CSA, फॉर्मूला सही लिखा है, इसकी वैल्यू तो गिवन ना, तो रख दिया 70, हाइट गिवन थी, निकाला आंसर करता हूँ, कोई परेशानी इसमें, तेरा गलत नहीं बोला भाई, जिसका 700 था उसका गलत बोला मैंने, तेरा गलत तो मैंने बोला ही नहीं था, तेरा गलत इन्होंने गलत बोला था, मैंने नहीं बोला था, जिसका 701 701, दूसरा 700, गलत के लिए बोल रहा मैं यूं। यहां तक सही है, समझ में आया वाला क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से मैनिपुलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, लिखो इसका दूसरा पार्ट, एक और मतलब दूसरा तरीका कैसे आ सकता है क्वेश्चन, ऐसी इस क्वेश्चन को उल्टा ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, उल्टा कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा, ध्यान सुनना, सुन लेना ध्यान से, इस बार मैं आपको क्या देने वाला हूँ, इस बार मैं आपको कर्व सरफेस एरिया दे दूंगा, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ द बेस दे दूंगा, अब बताओ अगर मैंने तुम्हें कर्व सरफेस एरिया दे दिया, पेरीमीटर ऑफ द बेस दे दिया, तो बचा कौन निकालने के लिए, तो मैं ये पूछूंगा ना, तो मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ CSA ऑफ अ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड इज 350 मीटर स्क्वायर, अगली लाइन में उसी आगे लिख दो, वेयर एज the perimeter of the base, whereas the perimeter of the base is 50 meter, find the height. ये पांच वाला कौन था, चलो आप पहले जरा चुपचाप फॉर्मूला लिखो CSA का, सबके सब खुद करेंगे अब जरा अटेम्प्ट, आराम से, जल्दीबाजी नहीं है, मेरे को फॉर्मूला चाहिए बस आप लोगों से, बाकी तो मैं करा ही दूंगा, CSA का फॉर्मूला क्या है, L plus B into H, ठीक है, CSA की वैल्यू पता है, पता है, क्वेश्चन पढ़ो, CSA पता है क्या, कितना है कुणाल, कितना है 350, तो CSA के नीचे लिखा 350, पेरीमीटर ऑफ द बेस ये ना 12 plus B, हाँ भाई साक्षी कितना है पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरिमीटर ऑफ द बेस दिया होगा 50, बहुत बढ़िया, निकालना क्या है हाइट, यहां तक सही है, अब मैंने कहा एच तुम इसके साथ मल्टीप्लाई में हो उधर जाके, अरे मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस का उल्टा क्या होता है डिवाइड का उल्टा, चलो मल्टीप्लाई का हो गया डिवाइड, तो नीचे भेज दो इनको, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एच कितना आ गया 7 मीटर, समझ में आया नहीं आया, आ गया पक्का, नोट करो जरा फटाफट, नहीं आया समझ में, कुणाल आया भाई प्लीज यार, आ गया पढ़ लेना घर पे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू पढ़ सकता है बढ़िया, क्यों तू सीख सकता है, तेरे अंदर ये चीज है, सीख सकता है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सीख जाएगा, ठीक है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन बढ़िया करके, नेक्स्ट क्या पता हमें हिलग्रेन का टॉपर मिल जाए, जब भी सोच रखनी है तो हाई रखनी है, टॉप करना है बस, अब यही सोचना है बस, ये नहीं सोचना पास होना है,
पास ही होना होता तो घर में पढ़ लेते। अगर तुम घर में बैठ के किताबें में सिर्फ फॉर्मूले भी याद करके चले जाओगे ना पेपर में, तो भी तुम शायद पास हो जाओ। अच्छे मार्क्स से पास होना अलग बात है, पास होने में बहुत फर्क है। तो टॉप मारने की सोचो जब पढ़ी रहो ढंग से, तो इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अभी तुम देखो, तुमने क्वेश्चन अभी मैंने एनसीईआरटी खुलवाई भी नहीं है, मतलब नजरों में नहीं खुलवाई तुम्हारे, खुलवाई अभी तक एनसीईआरटी? बोला एनसीईआरटी खोलने के लिए? नहीं बोला ना। अभी भी अगर तुम खोलोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन होने लग जाएंगे तुम्हारे आराम से। ऐसा कुछ नहीं कि मेरी जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है? एक आध क्वेश्चन में पड़ेगी जो खतरनाक वाला होगा, एक शांति वाला क्वेश्चन होगा सातवा, उसमें पड़ेगी मेरी जरूरत, ठीक है? मिल गया होगा क्वेश्चन, दिख गया होगा, आके तो बहुत तेज है तुम्हारी। उसके नीचे एक कार वाला क्वेश्चन होगा, उसमें थोड़ी जरूरत पड़ जाएगी शायद, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना, तब करना, अभी जरूरत नहीं है ज्यादा हाथ पैर मारने की, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, पक्का? अगला क्वेश्चन, घर जाना है, दाल भात बनाओ घर में। क्वेश्चन लिखो जरा एक बढ़िया सा। और तुम्हारा पढ़ने का मन भी करता है कि तुम जबरदस्ती में पढ़ते हो? अब कर रहा आएगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन और, अ क्यूबॉइड हैज, ये क्वेश्चन देखते कौन करके दिखाएगा। बढ़िया, दिमाग लगाना है इसमें, बढ़िया करे, पूरा दिमाग। अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर, 40। अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर, सही है भैया? 40, 40। एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया, एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 26 मीटर स्क्वायर, और उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है? 26 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ बेस, फाइंड द एरिया ऑफ बेस। क्या इस क्वेश्चन में मजा आ सकता है? क्या ये क्वेश्चन खुश कर पाएगा हमें? चलो एक बार आराम से अटेम्प्ट करिए, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है? कुछ ही नहीं दिया, बस ये डाटा गिवन है। सोचना है, सोचना है, दिमाग लगा, अपना दिमाग लगाना है। फॉर्मूले, हाँ फॉर्मूले लगाओ, किसी की मत सुनो, फॉर्मूले लगाओ, गलत लगाओ फॉर्मूले, चाहे सही में कराऊंगा, गलत फॉर्मूले। ओ पहले खुद कर ले, चुपचाप बैठे रहे। हाँ सही है, चुप रहे, चुप रहे, दिमाग लगाओ भाई सबके सब, गलत करके दिखाओ, देखते कौन कितना गलत कर सकता है, किसका आंसर कितना दूर आता है, देखते कितना आ रहा माइनस। अरे बोल बोल। हाँ भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट ये एरिया वगैरह माइनस में नहीं हो सकते, हाँ प्लस में ही होते, याद रखना। कभी तुमने सुना कि इस रूम की लंबाई कितनी? माइनस 40 रखते हैं, चलो ऐसा सुना है कभी किसी को? हाँ जी, हो गया कितना? ठीक है, ठीक है। चलो भाई अब जरा बैठ जाओ। तभी तक क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं, आइडिया किसके दिमाग में पहले आया वो भी तो इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो जो चीजें दी है वो लिखते रहो। सबसे पहले क्या दिया है? टीएसए कितना है? 40 मीटर स्क्वायर। कोई नहीं बोलेगा, समझेंगे। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 2lb + bh + hl। कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझना है बस अभी, ठीक है? अच्छे से
इतना सही है। और क्या गिवन है? CSA, कितना गिवन है CSA? 26 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा CSA का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच, 26। यहां तक ठीक है। निकालना क्या है? एरिया ऑफ बेस। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है? यही डाटा है, कुछ और तो करना नहीं है। अरे ये तो चालू हो जाएगा, चालू बहुत चालू है। अबे बैटरी गई क्या? गरीब आदमी। हम किसी का नुकसान नहीं करा सकते ना। भाई तू घूर रहा है, मेरे को डरा रहा है। चलो भाई सबसे पहले देखो साथ साथ करना। अच्छा बताओ बेस के शेप में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में हमें पता है हमें एरिया ऑफ बेस निकालना है, मतलब एल इंटू बी निकालना है। बोलो हाँ या ना। अगर जैसे एल इंटू बी मिलेगा काम हो जाएगा, सही है? तो मैं ऐसा बोलता हूँ ना, ये एल इंटू बी तो मुझे निकालना है, इसको मैं तो नहीं छेड़ू तो अच्छा, सही बात है। इसको देखो टू, इसको लिख सकता हूँ मैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। टू हम सबके साथ भेज देते हैं, भेज दे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ पहले मैं, फिर मैं आऊँगा बाद वाले तरीके में। यहाँ तक सही है पहले बताओ, 40 सही है। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 2LH प्लस 2BH, सही है? ये कितना है? 26। यहाँ तक सही है? अब सुनना जरा ध्यान से, ये कितनी है इसके वैल्यू? 26। ये कहीं दिख रहा है? यही तो है वो 2LHBH, दिख रहा? ये और ये सेम है या नहीं है? लेफ्ट, इसकी लेफ्ट साइड और इसकी वाली साइड, सही है? तो 2LB को ऐसे ही रखता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है? 26 बराबर 40। यहाँ तक सही है? प्लस का 26 उधर जाके, तो 40 माइनस 26 कितना होता है? तो 2LB कितना आ गया? 14। LB निकालना है हमें, तो L इंटू बी तो निकालना है। 2 मल्टीप्लाई में जाके 14 अपॉइंट 2 कितना होता है? 7 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी? एक तरीका तो ये, रुक जा अभी, एक तरीका ये समझ में आया पहले आसान सा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान सुनना। अब ये होता है कॉन्सेप्ट किसके कितने क्लियर है। मैंने कहा टोटल सर्फेस एरिया जो बनता है, पूरे रूम का जो एरिया बनता है, वो एक तो चार दीवारों से बनता है यानी CSA, प्लस किसका एरिया? टॉप और बेस, सही है? और क्यूबॉइड अगर है तो टॉप का जो एरिया होगा वही तो बेस का होगा, जितना टॉप उतना बेस। अगर मैं पेंट करूंगा, जितना पेंट नीचे लगेगा ना उतना ही ऊपर क्या लगेगा? सेम, क्योंकि एरिया क्या है? सेम, पक्की बात। चलो तो मैंने लिखा, लिखते कैसे वैसे, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, लिखते तो ऐसी है। अब मैंने कहा भैया तुम दोनों हो सेम, तुम दोनों क्या हो? सेम, दोनों है तो सेम ही ना, टॉप बोलो बेस बोलो बात बराबर। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, अगर ऐड ही करना है तो एरिया ऑफ बेस लिख के इसको ट्वाइस कर देता हूँ, बात बराबर, डबल हो गया। अच्छा TSA की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 40, इसकी वैल्यू 26, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस तो निकालना है, प्लस का 26 इधर आके, 40 माइनस 26 कितना आएगा फिर से? 14, 2 एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस निकालना है, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके है, कोई नहीं, 14 अपॉन 2 कितना आएगा? 7 मीटर स्क्वायर। दोनों तरीके क्लियर, क्लियर आराम से। आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा, समझ में आया नहीं है? ठीक है, दोनों तरीके नोट करिए अच्छे से, मुझे चाहिए, कोई नहीं, बढ़िया कर, नोट कर लिए दोनों तरीके, दिखा जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, हाँ बात सही हो, रीजन से जल्दी कर भाई नोट, हो क्या कर रहा, कॉपी निकाल जल्दी नोट कर। तू तो मुझे हटाना ही चाहता है जिंदगी से, है ना? यही चाहता है ना तू? पढ़ूंगा क्या, कहीं और चला जाएगा और क्या? अबे तो अगर मैं नहीं पढ़ाता तो कहीं और तो पढ़ता ही ना, ये तो कोई बात ही नहीं कि कहाँ जाऊंगा मैं, पॉइंट है। चलो भाई ऑनलाइन वाला जा सकते हो।